शनिवार को बड़ी पंजाबी बाग कॉलोनी के अभिभावक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे और अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक नरेंद्र जैन को सेंट पॉल स्कूल के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। दरअसल अभिभावकों का आरोप है कि सेंट पॉल स्कूल प्रबंधन द्वारा प्रशासन के आदेश की अवहेलना करते हुए बच्चों को ऑफलाइन परीक्षा के लिए स्कूल आने का दबाव बनाया जा रहा है और अभिभावकों को बाध्य किया जा रहा है कि वो अपना सहमति पत्र भी भर कर देवें। बच्चों को स्वेच्छा स्कूल भेज रहे हैं और किसी भी तरह से संक्रमण या अन्य हानि के लिए पालक स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। इतना ही नहीं, स्कूल प्रबंधन द्वारा फीस को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। इंदौर से ब्यूरो के सच्चा के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। आज हम आए थे सेंट पॉल स्कूल से, कल एक मैसेज आया, उसमें बोला गया कि हम रिवीजन टेस्ट ऑफलाइन लेंगे, ऑनलाइन पूरी तरीके से बंद कर दिया है। ऑफलाइन मंडे से आपको ऑफलाइन स्कूल में रिवीजन टेस्ट है, तो आपको आना पड़ेगा अपने पेरेंट्स के कंसर्न के साथ में। बिना कंसर्न के हम स्कूल में एंट्री नहीं देंगे और कंसर्न के बेसिस पे ही हम आपको ऑनलाइन रिवीजन मतलब ऑफलाइन रिवीजन टेस्ट देने देंगे। इसमें पूरी जिम्मेदारी पालकों के ऊपर ढोल दी उन्होंने। दूसरी चीज़, उन्होंने ये भी बोला कि जिसकी 7 इंस्टॉलमेंट पूरी पे कर दिए वही रिवीजन टेस्ट दे सकता है। हम यही मुद्दा लेके आए थे कि एक तो कलेक्टर साहब का आदेश है कि वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से दे सकता है, लेकिन ये स्कूल अपनी मनमानी करके ऑफलाइन ले रहा है रिवीजन टेस्ट। उसके बाद ये क्या है, ये पेरेंट्स को कंसर्न भी ले रहा है कि पूरी जिम्मेदारी पेरेंट्स की रहेगी। स्कूल एक तो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, ये सब फीस के चक्कर में जो पेरेंट्स को परेशान कर रहे हैं। रिवीजन टेस्ट के पूरे मार्क्स अब एनुअल एग्ज़ाम में भी जोड़ेंगे ये, और ये सबको बोल रहे हैं कि भैया आपको आना कंपलसरी है, आप नहीं आए तो आपके एनुअल एग्ज़ाम में जो नंबर जुड़ेंगे वो कम हो जाएंगे। अब इस टाइप की मांगे फीस के लेके सब पेरेंट्स को परेशान कर रहे हैं। और हमने यहाँ पर DO साहब को, आप जिला शिक्षा अधिकारी के यहाँ पर एक लेटर दिया है आज, ये मंडे से आज ये सडनली एक नोटिस दिया है इन्होंने, कल टाइम भी नहीं दिया पेरेंट्स को। ये सब फीस वसूलने के चक्कर में परेशान कर रहे हैं। पिछले साल भी हम फादर से मिले थे तो उन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया था फादर ने कि आपको हमको किसी से कोई मतलब नहीं, आप फीस जमा करो, आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो, हम आपसे पूरी हमारी पूरी फीस ही ट्यूशन फीस होती है, चाहे आप बच्चा, हमने बोला उनको कि बच्चा डिप्रेशन में आ रहा है, आप ऑनलाइन क्लासेस से सब प्रबंधक से कुछ बात हुई आपकी? पहले हुई थी, हम लास्ट टाइम गए थे तब, तो उन्होंने इस विषय को लेकर तो उन्होंने हमको बोला था ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों को बाहर कर दिया था, तो हमने वो बोले फीस पे करोगे तभी हम ऑनलाइन क्लासेस में आपको ले पाएंगे। फीस को लेकर दबाव बना रहे, ये सब फीस के चक्कर में ही कर रहे हैं पेरेंट्स के साथ में। तो हम आज लेटर दिया सब पेरेंट्स ने मिलके यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी साहब को, और अभी संयुक्त संचालक जॉइंट डायरेक्टर साहब को भी हम देंगे, कलेक्टर साहब को भी लेटर देंगे। आपका नाम? पंकज मेहता नाम है मेरा। आज सेंट पॉल स्कूल के अभिभावक बड़ी संख्या में यहाँ आए थे और उनकी कुछ शिकायत है, जैसे एक तो फीस भरने को लेकर दबाव डाला जा रहा है, दूसरा वो ऑफलाइन एग्ज़ाम्स कराने के लिए वहाँ प्रेशराइज कर रहे हैं पेरेंट्स को, बच्चों को, इसी संबंध में उनकी शिकायत थी। सर इसमें क्या कार्रवाई होना है? इसमें चूंकि जो CBSE स्कूल है उस पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय उतना प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाता है, क्योंकि वो हमसे सीधे संबद्धता नहीं रखते हैं। तो मैंने सुझाव भी दिए हैं कुछ पेरेंट्स को और हम अपने कार्यालय की तरफ से भी कार्रवाई कर रहे हैं। अभी मेरी संकुल प्राचार्य से बात हो गई तो संकुल प्राचार्य को हम वहाँ भेज रहे हैं और जो संबंधित BRC होगा हम उससे भी बात करके अभी इसको भेज रहे हैं कि ये जो ज्ञापन में उन्होंने कहा है उसकी वो जांच करेंगे और अपना कोई प्रतिवेदन हमें देंगे, उस पर जो भी कार्रवाई होगी वो जिला शिक्षा अधिकारी करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।